बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम सजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग टॉप एसोसिएट्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सीटीआर में, और फिर उनकी हम मजीद इंक्वायरी या वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं फ्री में कुछ टूल को यूज करके, ठीक है। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने आप लोग को आईमी के बारे में बताया था, इस तरह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप एसोसिएट्स के बारे में बताऊंगा। अब टॉप एसोसिएट्स हमारे पास होते क्या हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही जब हम लोगों ने सीडीआर को एनालाइज किया था, तो जो हमारे पास पार्ट बी होती है मतलब सीडीआर की, जिससे उन बंदे ने बातचीत की होती है, वो सारे हम निकाल लेते हैं एनालाइज करके और देख लेते हैं कि किस से कितना ज्यादा कॉन्टेक्ट हुआ है। तो उस हिसाब से जो है हम टॉप एसोसिएट्स फिर निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मैं आ जाता हूँ अपने इसी एक सीडीआर पे, ठीक है। देखें ये हमारे पास जो पार्ट बी है हमारे पास, ठीक है, इनमें से ही मतलब जिसके साथ जितनी बार कांटेक्ट हुआ है वो सारे टॉप एसोसिएट्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये कंपनियों के नंबर होते हैं तो हमारे इनके साथ कोई लेन देन नहीं होता। अच्छा, इन नंबर्स का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को वो भी समझा देता हूँ। इनका मतलब ये होता है कि अक्सर आप लोगों को एसएमएस आते हैं, एसएमएस जैसे ट्रेनार कंपनी का आ गया, जोंग का नंबर है जोंग की कंपनी का आ गया, अक्सर इजी पैसा के एसएमएस आते हैं, वो जो मार्केटिंग के लिए जो है वो एसएमएस वगैरह होते हैं, ठीक है। ये उस चीज की जो है उस चीज के लिए ये चीजें जो है होती हैं, ठीक है। ये सिंपल सा रैंडम कोड और ये रैंडम नंबर्स होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन चीजों पे समझते नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैंने आप लोगों को यहीं पे समझा दी कि कल को आप कोई पूछे तो आप उसको बता सकें। अब फॉर एग्जाम्पल ये नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, आप इनकी हम मजीद इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और हमारे पास जो है बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइव ट्रैकर है हमारे पास, ये एक एक वेबसाइट है, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला नंबर है, ठीक है, मैंने इस नंबर को यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया। देखिए अभी हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, नेम करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CNIC और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है। अब इस बंदे का मुझे नाम मिल गया, नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसका मैंने नाम पेस्ट कर दिया, CNIC है, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग यहाँ से इस ऑपरेटर को भी जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे CNIC पेस्ट किया, यहाँ पे जो है इसकी फॉर्मेट चेंज हो गई, यहाँ पे मैं होम में आके यहाँ पे इसको नंबरिंग में नंबर्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए नंबरिंग में यहाँ पे इसको नंबर कर दिया, और एंड में जो 2 0 उसको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। एड्रेस, एड्रेस नहीं मिल रहा, सेम उसी को कॉपी करें, ट्रैक नंबर पे आए, यहाँ पे इसको CNIC को पेस्ट करें, CNIC को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इसके बाकी आप लोग को नंबर्स भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो है आप लोग को इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, सेम वैसे ही जो है इसका एड्रेस भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज आती है कि इसमें हम लोग ट्रू कॉलर का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू कॉलर, अभी इसी नंबर सेम नंबर को मैंने यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ट्रू कॉलर पे आ गया, यहाँ पे इस नंबर को मैंने पेस्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्योंकि ट्रू कॉलर जो है ना, ये भी हमारे पास एक बेस्ट डेटाबेस होता है, जो हमें मतलब लोगों ने अगर कोई नंबर वगैरह सेव किया होता है, कुछ भी किया होता है, वो हमें यहाँ पे शो करवा देता है। अच्छा, ये ट्रू कॉलर जो है ये VPN बेस पे चलेगा, तो मैं इसके लिए VPN ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो है इसका नाम जो है यहाँ से मिल गया कि लोगों ने इसका नाम किस उसे सेव किया था, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे अब चीजें जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं, मतलब कि इसका नाम ये है, ठीक है, सिम इस नंबर पर निकली हुई, इस नाम पे निकली हुई, ये उसका CNIC ये एड्रेस है, लेकिन लोगों ने इस नाम से उसने सेव किया, या तो ये सेम बंदे का कवर नेम हो सकता है, या फिर जो है इसने लोगों को इस तरह से बताया हुआ है कि मेरा नाम ये है, या फिर इसका सेकंड नाम भी हो सकता है, या फिर जो है ये इस बंदे की यूज में है, मतलब है सिम इस बंदे की लेकिन यूज इस बंदे की है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी ये एक वेबसाइट हो गई, मैं दूसरी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, दूसरी वेबसाइट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में 0 खत्म, और दोबारा से सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद सेम वही आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर एक जैसे ही हैं, मैं इनको सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से जो है ना एंड वाला जो डिजिट है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, तो इसको मैं वो सही कर देता हूँ, ठीक है। जारी बात है इसको भी आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेकंड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है,
और तीसरी वेबसाइट पे आ गया। असल में ये वेबसाइट सेम ही है, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ से जो है ना इनके नाम चेंज है, ठीक है, यहाँ से बाकी और सेम ही है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद ये देखें इसका सिनेसी मेरे पास आ गया। सिनेसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिनेसी वाली जगह पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका नाम मुझे चाहिए, सिनेसी को मैं अगेन डेटाबेस में सर्च करता हूँ, ये इसका नाम भी मेरे पास आ गया, इसका एड्रेस भी मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं इस कंप्लीट को सेलेक्ट करके यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, एंड वाले 2-0 खत्म कर दिए। एड्रेस, एड्रेस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसका जो सेकंड नेम है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, मतलब वो ट्रू कलर पे सेम इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ट्रू कलर की वेबसाइट है उस पर मैं आ गया, यहाँ पे नंबर को पेस्ट किया, 0 लिखना है नहीं निकला आप लोगों की मर्जी, और सर्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे उसका नाम आ गया, फयाज, ठीक है। इसी तरह जो है ना हम लोगों को ट्रैक करते हैं उसका रियल नाम क्या होगा, उसने लोगों को नाम क्या बताया हुआ है। तीसरे डेटाबेस में हम आ जाते हैं, ये नंबर हम तीसरे डेटाबेस में सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम मैंने जैसे ही सर्च किया इसका देखें नो डेटा अवेलेबल, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं और वेबसाइट्स में आके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इस नंबर का हो सकता है रिजल्ट ही अवेलेबल ना हो, लेकिन ये देखें इसका रिजल्ट अवेलेबल आ गया, इस वेबसाइट में शो नहीं हो रहा था, इसमें शो हो गया, नाम हमारे पास ये रहा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ये सारी वेबसाइट्स की लिंक मैं आप लोगों को एक फोल्डर में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों से जो है इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से जो है इसको चला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप पे आगे आके आप ऑपरेटर भी लिख सकते हो, अगर ऑपरेटर लिखना है वो आप लोग की मर्जी, ऑपरेटर के बारे में नहीं लिखना ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पे आ गया, इस नंबर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च पे क्लिक किया, ये देखें अभी ये जो चीज़ है ये सेम बंदा ही यूज कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये मैं आप लोग कंप्लीट डेटाबेस शो करवा रहा हूँ, चाहे ये डेटाबेस हो गया, अब इस डेटाबेस में आ जाते हैं ताकि आप लोगों को सारे डेटाबेस में किस तरह सर्च करते हैं, किस तरह हम जो है चीजें फाइंड करते हैं वो आप लोगों को पता हो जाए, किस तरह उनके रिजल्ट हैं। देखिए अब इसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ गया। अच्छा, ये वाली जो वेबसाइट है ये जो है कंप्लीट सिनेसी शो नहीं कर रही, तो हम और वेबसाइट्स पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। जहां से आप लोगों को बेस्ट लगता है आप लोग वहां से जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आ गया, सिनेसी को मैंने कॉपी किया क्योंकि नाम वगैरह शो नहीं हो रहा। कॉपी करने के बाद अगेन सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये देखें इसका नाम भी मेरे पास आ गया, ठीक है। साथ में इसका सिनेसी भी मेरे पास आ गया, नाम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिनेसी को मैंने दोबारा से कॉपी किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एड्रेस है, एड्रेस को जो है मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, हमें एक तो ये पता चलता जाएगा ना कि ये बंदा किस किस बंदे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा हमें ये भी पता चलता जाता है कि उनके नाम क्या है, उनका सिनेसी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें जो है हमें स्टेप बाय स्टेप A to Z जो है हमें पता लग जाती है। अच्छा सॉरी, ये सिनेसी को मैंने कॉपी कर लिया, हमें इस नंबर को कॉपी करना चाहिए था, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और सर्च पे क्लिक कर दिया। इसके बाकी कितने नंबर्स हमें फ्री में मिल सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये देखो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वाला बंदा है, ठीक है, सारी चीजें पाकिस्तान का ऑपरेटर है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह जो है हम लोग सबका फाइंड कर सकते हैं, एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और सारी चीजें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।